नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। सिनेमा जगत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शोक की लहर दौड़ गई है। जी हां, महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मशहूर अभिनेता गोफी पेंटल का निधन हो गया है। जी हां, आज एक बार फिर सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले गोफी पेंटल हमें आज यानी 5 जून को 78 साल की उम्र में अलविदा कह चुके हैं। गोफी पेंटल का निधन मुंबई के एक अस्पताल में हुआ है। उनकी हालत पहले से ही बेहद गंभीर थी। जानी मानी अभिनेत्री टीना घई ने इस बात की पुष्टि भी की थी। जानकारी के मुताबिक पिछले काफी लंबे समय से उनकी सेहत खराब चल रही थी। इसी बीच गोफी पेंटल के भतीजे हितेन ने एक मीडिया संस्थान को जानकारी देते हुए इस बात की जानकारी दी और बताया कि उम्र संबंधी कई बीमारियों से जूझ रहे गोफी पेंटल का हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया है। बता दें कि हम बात करें अगर गोफी पेंटल के काम की, तो गोफी पेंटल अपने सबसे बेहतरीन किरदार शकुनी मामा से बहुत प्रसिद्ध है। देश भर की जनता उन्हें शकुनी मामा के किरदार से अच्छे तरीके से जानती है। उन्हें बी आर चोपड़ा के मशहूर ऐतिहासिक शो महाभारत से दर्शकों को खूब प्यार मिला था। इस शो के हर किरदार ने फैंस के दिल में अपनी बेहद अहम जगह बनाई थी। इन कलाकारों में गोफी पेंटल का नाम सर्वोपरि था। गोफी पेंटल ने शो में शकुनी मामा का किरदार निभाया था। आज भी जब भी शकुनी मामा के अभिनय की बात की जाती है तो उसमें गोफी पेंटल के नाम की चर्चा जरूर होती है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब यह प्रसिद्ध अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है और फैंस समेत सिनेमा जगत के कई सितारे अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उम्मीद है कि सिनेमा जगत के कई दिग्गज और बड़े सितारे उनकी इस यात्रा में शामिल होंगे। इस दिग्गज कलाकार का जाना सिनेमा जगत के साथ ही साथ पूरे महाभारत प्रेमियों के लिए भी एक बड़ा दुखद है। हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं।